आज जो धिक्कार दिवस हम मना रहे हैं महिला विंग की, मैं महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ रानी चौबे, आपको मैं क्लियर वर्ड में बताती हूँ, अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जन जन को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हर एक सेवक, हर एक नागरिक, हर एक बिहार की जनता ये जान चुकी है कि स्थिति इन लोगों ने बिगाड़ के रख दी है। अब स्थिति जब बिगड़ी है तो इसमें एक सेवक उभरा है, पप्पू यादव, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, वो भी उस केस में जिसका वो कल्प्रिट है ही नहीं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आज बिहार में जो भी कार्य करेगा उसको हवालात के अंदर डाल दिया जाएगा किसी न किसी मुकदमे में फंसा के। आज स्थिति ऐसी है कि पप्पू यादव जी जिस हॉस्पिटल में है उसमें सुअर घूम रहे हैं। आप ही मीडिया कर्मियों ने, भाइयों ने मुझे बताया कि दिखाया, मैंने देखा कि उस जगह पे सुअर घूम रहे हैं। जहाँ सुअर घूम रहे हैं वहाँ इंसान को रख रहे हैं आप। आपकी ये लचर व्यवस्था है जिसको ठीक करने के लिए एक सेवक खड़ा हुआ था, इस सिस्टम को ध्वस्त दिखाने के लिए। क्योंकि देखिए, नॉर्मल डेज में तो हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब रहती है, अब आप बताइए कि इस स्थिति में क्या करना है। इस स्थिति में जो कोरोना की महामारी चरम पे है, जब लाशें निकल रही हैं, स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, तो उस व्यवस्था में आप क्या करेंगे? तो पप्पू यादव जी को अंदर करेंगे, क्योंकि वो एक अकेला सेवक था जो आगे बढ़ के 10-20 हज़ार लोगों को रोज सेवा के दे रहा था। तो क्या आप मुझे बताएंगे मंगल पांडे जी कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, कि इतने लोग, इतनी व्यवस्था खराब आपने कर चुकी है कि एक एक लोग जो हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं वो डर रहे हैं, वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। आज लाशों की ढेर लगा दी आपने, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, उनके कमर में हाथ डाला जाता है, वो महिला चुप रहती है। और वैसे जगह पे एक तुरंत स्कैंडल हुआ है, बहुत बड़ा स्कैंडल ये हुआ है कि एक महिला के कमर में वार्ड बॉय ने हाथ डाला, वो अपने पति को बचाने के लिए चुप रह गई, और बाद में जब उसका पति मर गया तो उसने अपना मुंह खोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वारदात हुआ। तो स्थिति तो ये है कि ना महिलाएं सुरक्षित है, कोई चीज़ आप उठा लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ और एडुकेशन, इस दोनों मुद्दे को उठा बिहार चौपट हो चुका है। आज आप करना क्या चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी, मुझे बताइए। रूड़ी जी की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? इस एम्बुलेंस चोर की अरेस्टिंग सबसे पहले होनी थी, क्योंकि उसने वो काम किया है कि बिहार में जब काला बाजारी चरम सीमा पे है तो 40 एम्बुलेंस को अपने घर पे रख लिया है। क्या मंगल पांडे जी को रिजाइन नहीं करना चाहिए? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी बैसाखी पे आ चुके हैं और उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जब कुछ नहीं करता है इंसान तो उसको अपनी कुर्सी को छोड़